हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सफल होना है तो लड़ना सीखो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि मैं आज जो भी कहूँगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंडर डाल दो कि लाइफ के कुछ न कुछ बड़े काम करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ न कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यहीं से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि ज़िंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीख पाए। बस आपको कुछ टाइम पास के लिए फालतू जोक्स पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेंगी। सफलता कभी भी मार्कशीट देखकर नहीं आती, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता के शिखर तक आप बहुत आराम से पहुंच जाओगे। आजकल के जो भी लोग, उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उसको पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी को सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते। सबसे ज़रूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो या फिर किसी अच्छी चीज़ को पढ़ो तो उसके अमल में लाओ। उसे लाने में आलस क्यों करते हो यार, खुद ही सोचो, क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं तब जाकर उसमें फल आते हैं। और अगर आज के लोगों को बात करूँ तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं कोई आसान रास्ता निकल आए कि पैसे कमाने हैं और बिना कुछ देखे उसे कूद जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, कोई भी चीज़ होने में टाइम तो लगता ही है, या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप लोग तो हरिवंश राय बच्चन को जानते ही होंगे। इनकी एक छोटी सी कविता जिनमें वो कहते हैं कि तू ना थके कभी, तू ना रुके कभी, तू ना मुड़े कभी, कर शपथ कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर लगा रहता है कि ये होगा या नहीं होगा। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरे सफल ना हो जाते। हमारे माइंड के केवल एक ही चीज़ चलती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही किसी और इंसान के साथ, क्योंकि कहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो इस टॉपिक पर, क्या पता इस चीज़ के बारे में उसको पता हो और आपको नहीं। हर एक चीज़ में इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके पास जो भी प्लान है वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा। आप पूरा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या पता वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया मिले। उससे क्या हो जो आपके पास मास्टर प्लान है और वो परफेक्ट बन जाए। वैसे बहुत ज़रूरी होता है खुद पर आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा। सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे बहुत सारे लोग की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि लोग अपने ज़िंदगी में कहां से कहां तक पहुंचे हैं और कैसे पहुंचे हैं। जाहिर है कि वो एक अलग ही इंसान थे। वो खुद में एक ऐसे इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाए तो वो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। ये होगा है आत्मविश्वास।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार वो फिर से डूब जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही होता है। आपके अंदर भी आत्मविश्वास है, हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता ही है। उसे जानो, पहचानो, फिर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो। सोचिए, अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से नहीं दिल से सोचो। कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो फैसला सोच कर लिए होंगे। लेकिन अगर वही अपने दिल से फैसला लिए होंगे तो वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे, और वो जो भी चीज़ आपने सोचे होंगे उसके पूरे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या ना में, यही दोनों में फंसा रहेगा। यह हम नहीं कर सकते या ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों ने प्रूव करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात है, दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी चीज़ दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब आएगा, वो रिस्की होगा, क्योंकि दिमाग को बहुत ज़्यादा डर लगता है। हर एक चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाएगा, और दिमाग डरता है कि वहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल से हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही वो चीज़ है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। दिल कभी डरता नहीं है, वो हमेशा निडर रहता है। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना है तो एक बार अपने दिल की भी सुन लो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना कि क्या करना सही रहेगा या फिर क्या करना गलत रहेगा। आपको दो ही चॉइस मिलेगी और दोनों में एक ही चॉइस चूज करना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी आपका फैसला एक सही दिशा में जाएगा। वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, और परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा। जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना होगा या फिर कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के साथ पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एक प्लानिंग ज़रूर बनाइए। मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो तो अगर डूब जाते हैं तो वो कहाँ से निकालेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिस्क ले लिया और इसकी कोई प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है, और आप फ्यूचर में अपने गोल्स से भटक जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सफलता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले, रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए, और फिर अपने गोल्स को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, और फिर अपने सपने को पा लीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए, और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पा ही लेना है। चाहे जो भी हो जाए, अगर आप हार भी जाओ, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया, दिन रात मेहनत तो किया। दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं बिना मेहनत किए ही। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप कई छोटे छोटे भागों में बांट लो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो। और एक बार अगर आपने रिस्क लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था। और वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि बड़े सपने देखो और परफेक्ट गोल बनाओ। अगर आप हर काम में सफल बनना चाहते हो तो आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे। बड़े बदलाव सपने देखना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सपने देखना चाहिए। वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है। जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक गोल बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, वो लोग 100% श्योर हों कि वो सक्सेस ही हो जाते हैं।
अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सपना देखना चाहिए। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते हैं वो बड़े नहीं बन पाते हैं। इसीलिए बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए 100% दे दो। इसी के साथ साथ आपको समय की कीमत को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके पास 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और इसी से वो सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत को समझते थे। आप इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत को समझते थे। इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। अगर आपको भी सफल होना है तो फालतू का समय बर्बाद ना करें, जैसे किसी के सामने अपनी सक्सेस की बात करना और जैसे कि फालतू की बातें होती है ये सब करना, और जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर बहस करना। संसार का सबसे मूल्यवान चीज़ है समय। ये तो आप जानते ही होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुक सकता। इस समय का सही उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति सफल होता है। और समय से एक बात और सीखनी चाहिए कि वो कभी रुकता नहीं है, इसीलिए आपको कभी रुकना नहीं है। अगर आप रिस्क लेकर फेल भी हो जाओ तो कभी भी अपने गोल को मत बदलो, अपने तरीकों को बदलो। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल तो बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सफलता ना मिलने के बाद वो अपने गोल को ही बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आकार, जो तरीका है आपका, उसे बदलना चाहिए। अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो आपको अपने गोल को बदलने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा और सही रास्ता ढूंढो, थोड़ा और आसान रास्ता मिल जाएगा अगर आप और मेहनत करोगे तो। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको उस काम करने के तरीकों को ही बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि किसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।